आपसे लोग के साथ करना चाहता हूँ कि कोई आदमी ये कह दे कि एक महीने दो महीने चार महीने में पैसे मिल जाएंगे तो मेरे सामने आने के कह दे। आप लोगों को उम्मीद बना सकता है लेकिन वो हमें नहीं बना सकता क्योंकि वो घर से नहीं निकल रहा है। मैं आपके बीच में सच्चाई खड़ी करूंगा, आप लोग सोच रहे ये बात फिर से करें बेटे मत कह दो। चेहरे पर पहचान मेरा थोड़ी देर लगती है। ये आज से दो साल पहले ऐसे मीटिंग में मिले थे, आप मिले थे मुझे, जब भी मैंने ये कहा था कि पैसा बहुत दूर है और इतने सीनियर ने इतनी कमरा दिया तो पैसा एक महीने में या दो महीने में मिल जाएगा, ये बात सच है गलत मिला क्या हुआ सिर्फ नुकसान हमें हो रहा है। दोस्तों आज मैं आपको लास्ट बार बात करना चाहता हूँ, अगर 2019 आपने निकाल दी तो ये पैसा क्योंकि इस पैसे की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। आप रोज नेट खोल के देखिए, रोज जाना घर ना करते बंद हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं सर से पैसे से, हमारे गरीबे का पैसा मिल जाना चाहिए और कुछ गरीब हमारे बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि लोग हमारे लिए घर बैठे पैसे देने के लिए आएंगे। यहाँ काफी एजेंट है, मैं एजेंटों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ दोस्तों घर से निकल जाओ नहीं तो ये पैसा मारा जाएगा, ये पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये पैसा बहुत गहरी मसी में छुपा हुआ है, अगर आपके विचार में ये आ रहा हो कि लोडा कमेटी या बोर्ड वाइज आपको दे देगी पैसा नहीं देगी, क्योंकि अभी तक कोई जमीन का सौदा या किसी को जमीन बिकी भी नहीं है और लोग कहते हैं कि बस एक महीने में पैसा मिल जाएगा। कोई माई कला हिंदुस्तान में आए उससे कह दे कि 2018 में पैसे दिलवा दूंगा तो सारी राजनीति उसके साथ खड़ी कर दूंगा, सारी फिल्म उसके साथ खड़ी कर दूंगा, कोई ऐसा नहीं है आदमी दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सबके पास झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। पैसा जब मिलेगा आपको जब जमीन बिकेगी और जमीन कब बिकेगी जब आप लोग एक हो जाओगे पैसा लेने के लिए, और जब तक एक नहीं होगे तो ये पैसा नहीं मिलेगा। आगे की रणनीति मैं आपको बता देता हूँ, पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग जगे हुए हैं। अगर कोई आपके बीच में बैठा हो और वो ये कहता हो कि इनको पैसा मिलेगा हम ले लेंगे तो वो आ जाए मेरे सामने, कोई भी सीनियर हो उनको मिलेगा तो हम ले लेंगे। एक भी सीनियर को बोला हिंदुस्तान का कोई सीनियर ऐसा पाई कलर पैदा नहीं हुआ तो हम नहीं कर दे दूंगा, नहीं ले सकता उसे तो आज भी नहीं पता, उसे आज भी नहीं पता पैसा है का नहीं तो अपने लीडरों को खड़ा कर लो अपने सामने में बता देता हूँ। उन्हें जरूरत भी नहीं है दोस्तों क्योंकि उनके नाम तो ऑलरेडी जमीन है, उनके नाम तो एडवांस पैसे है, उन्हें जरूरत क्या है कि वो आपको पैसे को दिलाने के लिए लड़ाई बना दे। एक हम आपके सामने ये लोग उनकी हैसियत इतनी है कि वो दे सकते हैं लेकिन जब उनके पास आएंगे तो देंगे पैसे, उनके पर्सनल खाते नहीं है, उनके नाम जमीन उतनी है, कंपनी का एडवांस इतना है, जिस दिन आपको पैसा मिलेगा उनकी खुशी गुजारी हो जाएगी। दोस्तों ये हाल है उनका, तो वो आपको पैसे दिलाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, केवल वो अपने घर बैठ के आपके बारे में बताएंगे कि बस एक महीने रुक जाओ और पैसे मिल जाएंगे। आपके हसनपुर में काम देता क्या बताइए आप, लीडर बहुत है तो फिर आप बताइए, हमने 20 नवंबर की डेट रखी है, एक आध दिन की लेट वेट हो सकती है तो 20 नवंबर बाहर दिल्ली में खा दी गई है उसकी वजह से, लेकिन आप बताइए हम 20 नवंबर की धरना प्रदर्शन की डेट दे रहे हैं और आपके जो सीनियर है वो कह रहे हैं कि अगले महीने में तो पैसे नहीं जाएंगे, तो कमी किसकी है आप लोगों की कमी है जो आज तक 3.5 साल तक उनके बहकावे में आ रहे हो, अपने एजेंट को निकाल के खड़ा करो। ये लोग बताइए ये एक सप्ताह में भी 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, किस किसके घर नहीं गए हैं, वो कहते हैं ना दीवानों में भी कान होते हैं, हमारी बहन जी बैठी है पीछे अभी आप कुछ कह रहे थे आ जाइए इधर को, मैंने इनसे बात नहीं की लेकिन उन्होंने कोई शब्द कहा था वो एक बार कहें माइक पर क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा यही कहना है कि सब लोगों में एक नहीं होंगे जब तक कुछ ये होने वाला नहीं है।
आप कह रही थी पीछे बैठ के मैं आपको समझाने का थोड़ा सा हिचक रही है, ये कह रही थी कि एक कमेटी बनाई जाए और घर घर जाके प्रचार किया जाए कि आज मीटिंग है। तो मैं बहन को बताना चाहता हूँ ये लोग प्रचार वाले हैं और आप बताएंगे कितने गाँव में घूमे, आप बताएंगे। हम 3 दिन से 150 गाँव में घूमे हैं और कल भी लगभग 125 गाँव में सूचना रही है और 6000 पंपलेट अपने हाथों से बांटी है, घर घर जाके बांटी है, गाँव में जाकर के मीटिंग करी हमने कल, और हमने 30 गाँव में जाकर मीटिंग करी, लोगों को चौपालों में बैठाया, उनसे कहा भाई अपना पैसा लेना चाहते हो तो कल मीटिंग में आ जाओ, और इससे ज्यादा आप बताइए हम के हाथ छोड़े पैन पकड़े क्या करें जिससे कि लोग घर से निकले और मीटिंग में आए, यहाँ में आप सुधार दो। समझ गए आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नहीं कर रहे, सिर्फ कमी क्या है कि जिस एजेंट को ये पता लग जाता है कि मेरे गांव में लोग आए हैं। हेलो, जिस गांव में ये पता लग जाए कि इस गांव में ये फिर से लिमिटेड वर्कर कल्याण के अनुरूप आए हैं तो वहां के एजेंट पता क्या कहता है, उनके चक्कर में बरोबर ये ठग हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं दोस्तों, आज नहीं तो कल उनको पता लग जाएगा ठग कौन है। घर में रहना दुश्वार हो जाएगा दोस्तों, आने वाला वक्त आपको इतना अच्छा आ रहा है कि जो एजेंट है वो अपनी कान खोल के सुन ले, नहीं तो इनका हाल बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि सोचने को मजबूर हो जाओगे। अभी आप बताइए कितने एजेंट है, जरा हाथ उठा के बताएं कितने एजेंट है, अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में जुड़े हैं? अब आप बैठ जाइए, देखिए अभी इसमें से 30% नहीं बल्कि 20% लोग सोसाइटी में जुड़े हैं, फिर कैसे पैसा मिलेगा आप लोगों को? आप लोग पार्टी सीनियर के भरोसे रह रहे हैं, ये बताना चाहेंगे कि अगर पीसीएल लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति अगर आपके मुरादाबाद से आंदोलन नहीं कर रही होती तो चले कितने एजेंट मर गए होते। जमा है ना कि प्रॉपर्टियां
और वो खेती अब पकने को तैयार है। आप लोग उस पर कब्जा कर सकते हो और उसको बेचकर सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा सकते हैं, जिससे आपको पैसा मिल सकता। और कुछ चोरों को नहीं पता लग जाएगा जो इस प्रॉपर्टियों पर खेती करे और उन्होंने उनको किसने दे रखा है। आप सभी को प्रकरण को लेकर बहुत ही सजग होना होगा, नहीं तो हम 20 साल तक भी पैसा नहीं दे पाएंगे। जब तक हर एजेंट जागरूक नहीं होगा और वो अपनी जिम्मेवारी सब देगा, जितना भी इसका पैसा लगवाया है वो उसका जितना ही जिम्मेवार है, जितना उसने पैसा लगवा दिए उस समय था। अब वो कंप्लेंट चोरों के लगवाए, इन चोरों का हमें पता लग गया। ये मैसेज पूरे देश के लिए 5 करोड़ 15 लाख 1,037 के लिए सभी के लिए है। ये जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि हमें जल्द से जल्द निदान हो और कोई परेशानी ना हो। ये सभी लोग जेल के अंदर हों। ये जाएगा, मैंने अपने आप पैसा ले लिया जाएगा, क्योंकि मैंने पैसे कोई नहीं और आपसे ये पैसे से कोई कमी नहीं। देश में लगभग 20 लाख एकड़ पीएसएल की प्रॉपर्टियां हैं जो मात्र 28,808 प्रॉपर्टियां के अंडर में आई हुई हैं। रेवी और सीबीआई ने जो जांच की है वो नाम मात्र है। आप उन पर कार्रवाई करोगे तो वे सभी प्रॉपर्टियां चोरों के माध्यम से आपके सामने होंगी और आने वाले समय में आपको पैसा भी मिलेगा। एजेंटों ने काम किया उनको मुआवजा भी मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के कारण हम पीड़ित हुए, परेशान हुए और हमारा काम किया, जिससे हम आगे काम ना कर पाए और हमारा जीवन बेकार हो गया। इसलिए हम इन लोगों से डिमांड करेंगे कि हमें 25 लाख रुपया हमें मुआवजे के तौर पर दिया जाए, क्योंकि आज हम सभी कारण के रोजगार के कंपनी की सही चल रही थी, तब काम कर रहे थे, सब चीजें सही चल रही थी, सबके पास खर्चा था, सब अपना आराम से कार्य कर रहे थे। हम चाहते हैं